आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। दिस इज माय ईमेल आईडी, यू कैन रीच मी हियर इफ यू हैव एनी क्वेरी। तो ये जो टॉपिक है ये काफी टाइम न्यूज में रहा, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर यूपीएससी, स्टेट पीएससीज एंड अदर एग्जाम्स कंडक्टेड एट स्टेट लेवल। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इंट्रो देख लेते हैं। लोकसभा ने रिसेंटली पास की है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो बिल है ये ऑल्टर करेगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। ठीक है, FCA 1980 को ऑल्टर करने वाली है। तो जेपीसी जो है आपका ज्वाइंट कमिटी ऑन फॉरेस्ट, उसने अप्रूव किया, जितने भी रिविजन्स रेकमेंड किए गए थे उन सबको अप्रूव किया, फिर लोकसभा ने इस बिल को रिसेंटली पास किया है। अब हमारा एक्ट कौन सा रिवाइज हुआ है, FCA 1980। तो पहले देख लेते हैं ये FCA 1980 क्या है। ये एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज को टू टेक डिसीजंस फर्स्ट विदाउट द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी लैंड को डेजिग्नेट करना चाहे एज फॉरेस्ट लैंड की फॉरेस्ट है, तो उनको परमिशन किसकी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसमें वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लैंड्स नहीं आती हैं। फाइन। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है गिव्स कंप्लीट अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो सेंट्रलाइजिंग एक्ट था काफी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर थे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कैरी आउट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव्स इस एक्ट के। ये एक्ट लेवाई करता है पेनल्टीज इन केस ऑफ वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ FCA। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इसके लिए इट विल हैव एन एडवाइजरी कमिटी जो हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद रिगार्ड्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स। अब हमें FCA 1980 हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ी कि हमें इसको रिवाइज करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बढ़ाया। ये केस याद रख लेना, गोदावर्मन केस 1996 में। इन्होंने कहा एक तो फॉरेस्ट जो लीगली लिस्टेड है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कि जो ये लैंड है फॉरेस्ट है, प्लस वो लैंड जो फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जिस लैंड में होंगे, मींस जो लैंड क्या है फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी ज्यादा ट्रीज हो, डेंस वेजिटेशन हो, फ्लोरा फौना को सपोर्ट करता हो, ऐसे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस लैंड में होंगे वो लैंड भी आप उसको भी जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का वैसा उस तरीके की जो लैंड होगी वो भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी फॉरेस्ट में। ठीक है, इसमें जो अब ये प्रॉब्लम थी क्योंकि क्या हुआ, कोई ऐसी लैंड जो जिसके फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लेकिन वो लैंड फॉरेस्ट नहीं है, उनपे ऑलरेडी कुछ काम हुआ था, चाहे कुछ कम्युनिटीज बिल्ड हुई थी वहां पे, ठीक है, रिक्रिएशन पर्पस के लिए, या इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए थे, या रोडवेज बने थे वहां पे, तो ऑलरेडी काम हुआ था क्योंकि वो फॉरेस्ट की तरह दिखते तो थे पर फॉरेस्ट थे नहीं। ठीक, लेकिन इसने क्या किया, एक्सपैंड किया कि जो फॉरेस्ट की तरह दिखेंगे वो भी फॉरेस्ट होंगे। तो इससे काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और एक अराइज हो गई नीड अमेंडमेंट की। अब और प्रॉब्लम क्या हुई इससे, अगर किसी के पास कोई लैंड है वो चाहता है वो उस पर प्लांटेशन करे, अब प्लांटेशन के क्या फायदे होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना वो एक्ट करेंगे एज कार्बन सिंक। ठीक है, कार्बन सिंक आपके ट्रीज एक्ट करते हैं क्योंकि वो क्या इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें वो सेव रहता है, वो एज कार्बन सिंक एक्ट करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है क्योंकि एनवायरमेंट से जो ग्रीन हाउस गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो जो इशू है वो होने लगा था क्योंकि प्लांटेशन वो नहीं कर रहे थे ताकि उनकी लैंड रिजेंबल ना करे फॉरेस्ट को। प्लांटेशन नहीं करने से कार्बन सिंक जो है वो नहीं बन पा रहा था, वो कम हो रहा था। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ द कंसर्न दैट प्लांटेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विल अट्रैक्ट FCA, क्योंकि जब प्लांटेशन करोगे अगर फॉरेस्ट रिजेम्बलेंस हुई तो वो भी आप पे क्या अप्लाई होने लगेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो एफॉरेस्टेशन वगैरह का काम जो है वो सही से नहीं हो रहा था। ये ग्लोबल लेवल पे भी हमारे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि एक बैरियर बन रहा था टू इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, लोग ट्रीज ज्यादा नहीं लगा रहे थे। और हमारा जो NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC टारगेट है, NDC टारगेट्स क्या है, ये बेसिकली हर इंडिविजुअल कंट्री ने अपना कुछ टारगेट सेट किया है कि वो कितना मिटिगेट करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, उसके लिए हमारे लिए कार्बन सिंक इंक्रीज होना चाहिए। तो NDC टारगेट क्या था, बिल्ड करना एक एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3.0 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और कार्बन सिंक कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन से, और प्लांटेशन जो नहीं कर रहे थे क्यों, क्योंकि ट्री फॉरेस्ट रिजेम्बलेंस ना हो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इन पे ना अप्लाई हो। ये प्रॉब्लम सारी आ रही थी हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, इसकी वजह से नीड हमारे पास आई कि हम इस बिल को, इस एक्ट को अमेंड करें। अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये बिल क्या कहता है, जो एक्ट है दो टाइप ऑफ लैंड्स पे अप्लाई होगा। एक तो वो लैंड जो नोटिफाइड हुई है एज फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या किसी और लॉ के अंडर, जिस लैंड को नोटिफाई किया कि ये तो फॉरेस्ट लैंड है, उस पे ये अप्लाई होगा। और लैंड नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट कैटेगरी बट नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट इन ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर अक्टूबर 25, 1980। ठीक है, फर्स्ट वाले में नहीं आता है लेकिन रिकॉर्डेड है एज फॉरेस्ट रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, ऑन और आफ्टर अक्टूबर 25, 1980। ठीक है, कुछ ये जो नई बिल आई है इसमें कुछ लैंड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसमें ये एक्ट जो है नहीं उन पे लगेगी, उनके प्रोविजंस उन पे अप्लाई नहीं होंगे। इस एक्ट के अंडर स्टेट, देखो जो हमारा एफसीए 1980 है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल चाहिए था, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, असाइन करने के लिए फॉरेस्ट लैंड टू एनी एंटिटी। लेकिन ये जो एनी एंटिटी है, इट शुड नॉट बी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मीन्स जो लैंड ओन या कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती थी एज फॉरेस्ट। इस प्रोविजन को हटाया गया है। अब इन द बिल दिस कंडीशन इज एक्सटेंडेड टू ऑल द एंटिटीज। अब चाहे कोई लैंड ओन या कंट्रोल करे गवर्नमेंट, वो भी आप डिजिग्नेट कर सकते हो एज फॉरेस्ट लैंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो एक्ट कहता है, इट मेंशन सर्टेन एक्टिविटीज जो इम्पोर्टेंट है फॉर टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है पर वो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए हैं, जैसे आप चेक पोस्ट वगैरह बना दो फॉरेस्ट में, तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हैं। वो पहले भी कुछ एक्टिविटीज अलाउड थी, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, उनपे वो एक्ट एफसीए 1980 अप्लाई नहीं होता था, जैसे कि क्रिएटिंग फायर लाइन्स या चेक पोस्ट बनाना, पुटिंग अप फेंसेस वगैरह। ठीक है, तो अब इस जो ये एक्टिविटीज हैं उनमें कुछ इंक्रीज किया गया है। इसमें कौन सी एक्टिविटीज आ गई हैं, जूज एंड सफारीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट मींस ये भी एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द बिल। ये जो लैंड है इसमें आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए भी कुछ कुछ एक्टिविटीज में आप यूज कर सकते हो। किन एक्टिविटीज में, वो ये होगी, सिल्वी कल्चर हो गया आपका, ग्रोथ ऑफ ट्रीज, और कोई भी ऐसा पर्पस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जूज हमें पता है, सफारीज आप टूर ले लेते हो फॉरेस्ट का, आपने देखा होगा वो जीप्स एंड कार्स वगैरह में फॉरेस्ट के चक्कर, जीप में, कार्स में नहीं, जीप में चक्कर काटते हैं फॉरेस्ट के, या जहां पे पानी वगैरह हो तो बोट सफारीज आपकी होती हैं। ठीक है, तो वो सफारी बेसिकली आपका टूर हो गया फॉरेस्ट का। तो ये दोनों एक्टिविटीज जो है ये एग्जेम्प्टेड है क्योंकि नॉन फॉरेस्ट पर्पस की है, तो लेकिन इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, इन पे प्रोविजन नहीं लगता है एक्ट का। सिल्वीकल्चर एंड अदर पर्पस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड ऑर्डर्स टू एनी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन अंडर और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर, स्टेट और यूटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। कि किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है कि एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करो, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो और यूनियन टेरिटरी हो। अब ये बिल हो गई। अब इस बिल के साथ इश्यूज क्या हैं, देखो पहले हमें था कि कोई लैंड जो है फॉरेस्ट की तरह दिखती है उसको भी आप फॉरेस्ट डिजिग्नेट कर सकते हो। अब ये प्रोविजन हटाया गया है, दैट मीन्स जो भी लैंड, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है जिनके फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। देखो जब हम फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉरेस्ट को या तो नोटिफाई किया गया था रिजर्व या प्रोटेक्टेड। रिजर्व हो गया आपकी जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, जैसे ग्रेजिंग वगैरह। प्रोटेक्टेड में है, ठीक है, तो अब जिनको ना रिजर्व बोला गया ना प्रोटेक्टेड बोला गया, कोई लैंड जो आपकी ओवरलुक हो गई और वो अनरिकॉर्डेड रह गई, तो अब जो अनरिकॉर्डेड लैंड है उसको भी आप डेजिग्नेट नहीं कर सकते एज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द डिलिनेशन प्रोसेस, ये जो बिल है डिसरिगार्ड्स दीज अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिस्किंग देयर प्रिजर्वेशन इवन मोर। ठीक है, तो क्योंकि आप ऐसे किसी लैंड को भी जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट जैसे हो, उनको फॉरेस्ट डेजिग्नेट नहीं कर सकते, तो काफी अनरिकॉर्डेड लैंड जो है, जो ना कि रिजर्व है ना प्रोटेक्टेड है, वो लैंड भी काफी ऐसे ही रह गई। द प्रपोज रिविजन एम्स टू ब्रॉडन एग्जेम्पशंस from getting forest clearance for the specific projects and activities. अब देखो कुछ projects and activities जो है उनको पहले forest clearance आपको लाना है वहां पे कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो कुछ project है उनको forest clearance से exempt किया गया है, that means आप वहां पे कोई activity कर सकते हो, चाहे कोई construction हो, कुछ आप बना रहे हो वहां पे, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोजेक्ट्स है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नजदीक हो या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज जो है वो आपके कौन कौन से हो गए, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये जो बेल्ट है वहां पे वो एक्टिविटीज, वहां पे वो प्रोजेक्ट्स उन फॉरेस्ट में करें तो हमारे सिक्योरिटी के लिए भी रिस्की हो सकता है। आगे देखते हैं। और जो क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि जैसे फ्रेज यूज किए गए हैं कि प्रपोज्ड या इको टूरिज्म फैसिलिटीज या एनी अदर पर्पसेस एज सेंटर में डीम फिट, तो ये काफी ये इन इटसेल्फ एक एम्बिगुइटी बताता है और ये रूम रखता है ओपन किसके लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, क्या फॉरेस्ट को और ज्यादा एक्सप्लॉयट कर सकते हो। तो ये इसकी कुछ इश्यूज हो गए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है 2023 स्टेट्स दैट एक्ट विल अप्लाई टू 2 टाइप्स ऑफ लैंड। इन ऑप्शंस में वो 2 टाइप ऑफ लैंड कौन कौन से हैं, ए बी या बी सी या ए डी, ठीक है, या ए सी। तो ये आपको कमेंट्स में लिखना है। The Forest Conservation Amendment Bill 2023 aims to exempt certain activities from restrictions on using forest land for non-forest purposes. ये मैंने आपको बताया। Which of the following activities is not included? Check posts, silviculture, ecotourism facilities और construction of residential buildings for government officials on forest land, ठीक है। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। So till the time I upload next video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a great day. Bye-bye.